हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। एक एस्पिरेंट जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोचता है तो उसे काफ़ी कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन होने के पीछे कई कारण हैं। तमाम सक्सेस स्टोरीज पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, कई सारे बुक लिस्ट पड़ी हुई है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी भी पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न होता है। और वो कन्फ्यूज़न है कि आखिर में स्टार्ट कहाँ से करें। हमें बनना भी है, मेहनत करने को भी तैयार हैं, डेडिकेशन भी है, सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ यू शुड स्टार्ट योर जर्नी। इस पूरी जर्नी, सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन की जर्नी है, उसको कैसे शुरू करें। तो जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल होने वाली है। इस सेशन में हम लोग तमाम बातों के बारे में बात करेंगे, जैसे एग्ज़ाम क्या है, ये व्हाट इज़ दिस एग्ज़ाम ऑल अबाउट, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए, क्या बुक्स होनी चाहिए। हम लोग इसमें स्पेसिफिक टू एनी टॉपिक नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे एक जनरल सेगमेंट में कि कैसे आपको बुक्स को पिकअप करना चाहिए, क्या इसका प्लान बी भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम सक्सेस रेट है इसमें। तो क्या इस सक्सेस रेट पर भी हमारे पास में एक बेटर फ्यूचर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के फाइनली एक कंक्लूड करेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना कितना प्रॉफिटेबल होगा। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर में इस एग्ज़ाम है क्या। ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी के द्वारा, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज को, सेंट्रल सर्विसेज को के लिए रिक्रूट करता है। कई सारे एग्जामिनेशन है उसमें, जैसे कि कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्ज़ाम, CDS का, NDA का, CAPF का, सिविल सर्विसेज का, फॉरेस्ट का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो UPSC केवल सिविल सर्विसेज नहीं कराती है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम कराती है। और इस एग्ज़ाम का कैलेंडर हर साल UPSC रिलीज़ करता है। इस एग्ज़ाम कैलेंडर में किस डेट पर नोटिफिकेशन आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, ये सारी बातें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं कि कब कौन सी चीज़ होने वाली है। अब जब हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं आखिर में इस एग्ज़ाम की स्कीम क्या होती है। डिटेल्ड सिलेबस के लिए आप नोटिफिकेशन पर जाइए, वहाँ पर चीज़ों को देखिए, और बाकी हम लोग भी बात करते रहेंगे वन बाई वन करके। जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोग सेशन डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम इन चीज़ों को देखेंगे। फिलहाल आज बात करते हैं कि आखिर में इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो इस एग्ज़ाम स्कीम में तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज़ प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए स्पेशली अगर बात किया जाए तो यहाँ पर दो एग्ज़ाम होते हैं, दो पेपर होते हैं, दैट इज़ जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 1 और जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 2। दो दो घंटे के एग्ज़ाम होते हैं, एक मॉर्निंग में होता है, एक आफ्टरनून में होता है। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में जो भी GK की चीज़ है या जनरल चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। काफ़ी टफ पेपर होता है, अलग होता है। GS पेपर 2 में यहाँ CSAT का पेपर होता है। ये CSAT का पेपर में रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर पूछा जाता है। ये भी एग्ज़ाम अब रिलेटिवली थोड़ा सा टफ हो गया है। वंस यू गेट थ्रू विद दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपको ये मेंस देना होता है। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सिंगल डे में होता है, दोनों ही पेपर एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। अब मेंस पर कहानी देखिए। मेंस का जो पेपर होता है काफ़ी एग्जॉस्टिव होता है, हफ्ते भर की प्रोसेस होती है, हालांकि बीच में ब्रेक भी होता है, लेकिन ये हफ्ते भर की एक रिग्रस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। पहला पेपर इसमें SA होता है। कन्वेंशनल के दो पेपर्स होते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा GS पेपर नंबर 1, GS पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 ये होते हैं। इन सब के अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको एक लेना होता है, वो अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आप उसे पिक करते हैं। दो पेपर इसके भी होते हैं, दैट इज़ ऑप्शनल पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। वंस यू गेट थ्रू विद दिस प्रीलिम्स ऑल्सो, आपको फिर इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। इन तीनों की प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है, हालांकि सब्जेक्ट हेड एक ही है। कहने का मतलब सारी चीज़ें एक ही स्फीयर में हैं, बट तरीका सबका अलग रहेगा। तो वही मैगी है, वही नूडल है, बस कभी आपको गार्लिक नूडल बनाना पड़ेगा, कभी आपको चिली नूडल बनाना पड़ेगा। तरीका अलग रहेगा, कंटेंट सेम रहेगा। सवाल उठता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में तो ठीक है, समझ गए हैं, लेकिन कैसे शुरुआत करें। जो मेन क्वेश्चन था हमारा वो था शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत तो सीधी सी बात है, किताबों से ही करनी होती है, कोई सक्सेस स्टोरी से शुरुआत नहीं हो जाती है। शुरुआत करने के लिए आप सबसे पहले फाउंडेशन को उठाइए। फाउंडेशन का मतलब आप पहले ये समझिए कि इस एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट क्या क्या है।
या जो सिलेबस दिया गया है उसका बेसिक्स क्या है, उस बेसिक्स के लिए आप एनसीईआरटी के बुक्स को रेफ़र करिए। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं उनको आप परचेज़ करिए, इंटरनेट से डाउनलोड करिए और फिर उसको वन बाय वन करके रीड करना शुरू करिए। अब इस समय तक आप या तो ग्रेजुएट हो चुके होंगे या फिर अंडर ग्रेजुएशन चल रहे होंगे, कुछ लोग जॉब के बाद आ रहे होंगे, तो एनीवे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारा बेसिक्स है या फिर जो एक जनरल सब्जेक्ट होते हैं उससे एक टच छूट जाता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे तो आर्ट्स से आपका टच छूट गया होगा, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे होंगे तो फिर आपका मैथ और साइंस से टच छूट गया होगा। तो फिर शुरुआत करते हैं वही अपने बचपन के साथ में। बचपन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, जितनी भी चीज़ें थी उनको आप एनसीईआरटी के बुक्स को परचेज़ करिए और उसको रीड करना शुरू करिए। रीड करने पर आपको एक थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि आखिर में क्या क्या सब्जेक्ट है और किस में कितना हमें वैल्यू एडिशन करना है। वैल्यू एडिशन तो छोड़िए, एक आइडिया ज़रूर लगना शुरू हो जाएगा कि आखिर में कंसेप्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको हो ही जाएगी। ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है एक तरीके से प्री रिक्वायरमेंट है टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को शुरुआत करने के लिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। जैसे किसी एक बुक को रीड करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, तो जब आप पढ़ना आ जाएगा तब जा करके आप फिर अल्टीमेटली बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब आप बेसिक बुक पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या होता है, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब आता है अगला टास्क, और अगला टास्क आता है स्टैंडर्ड बुक्स का। अब यहाँ पर क्लास 9 10th नहीं रह गया है, अब यहाँ पर एक पॉलिटी हो गई है जिसमें आपको पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, एक हिस्ट्री बन चुकी है, एक ज्योग्राफी बन चुकी है, एक इकोनॉमिक्स बन चुकी है, और इस तरीके से तमाम सब्जेक्ट आपका बन चुका है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद में जब आप इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको और थॉरो नॉलेज होना शुरू हो जाएगी, डिटेल नॉलेज होगी, और फिर इसके बाद से अब आप यहाँ से जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखना शुरू करेंगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ ठीक है, अब शायद हम कुछ नज़दीक आ गए हैं। लेकिन इन दोनों से ही केवल आपकी फैक्चुअल नॉलेज बढ़ती है, कुछ ओपिनियन भी शायद बन रहे होंगे। जब आप बेसिक फैक्ट्स जान लेंगे, कंसेप्ट जान लेंगे, तो फिर आप कुछ ओपिनियन बनाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन इस ओपिनियन बनाने बनाने में आपको कुछ एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन लेनी पड़ती है। उन एक्सपर्ट्स के लिए आप कुछ स्पेशल बुक्स पढ़ सकते हैं जिसको एक्स्ट्रा बुक बोला जा रहा है। ये एक्स्ट्रा बुक कुछ नॉवेल्स के फॉर्मेट में है, कुछ बायोग्राफीज़ के फॉर्मेट में है, और आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को किस तरीके से देखा। वहाँ पर भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा, एंशियंट इंडिया के बारे में, मेडिवल इंडिया के बारे में, और फिर आज की डेट के बारे में पता चल रहा होगा। तो वो एक बुक ऐसी है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है, बट इट विल गिव यू इनपुट्स, ये आपको इनपुट दे रहा होगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो जब आप शुरुआत कर रहे हो, जो आपकी बेसिक जो सवाल यहाँ पर था वो शुरुआत को लेकर के था, और शुरुआत में आप अपने एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स को पढ़िए, साथ में जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनको आप रीड करना शुरू करिए। जो एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं आप इंटरनेट पर, फ्लिपकार्ट पर, बुक स्टोर पर, कहीं पर भी जाएंगे आपको मतलब आपको पता लग जाएगा, मिल जाएंगी चीज़ें। आप उसके टाइटल को देखिए, आप थोड़ा सा उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करिए, आपको आइडिया लग जाएगा वेदर दिस बुक विल गिव यू इनपुट इन प्रिपरेशन और नॉट, और वहाँ से फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे आपकी रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो जाएगी और आपको एक बियॉन्ड द थ्योरिटिकल पार्ट ये समझ में आ जाएगा। तो ये पार्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट करना रहेगा, ये हो जाएगी आपकी एक्स्ट्रा बुक्स को लेकर के। सवाल ये उठता है अब कि जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा प्रिपरेशन तो किया जा रहा है बट हो नहीं पा रहा है, तो क्या आखिर में कोई प्लान बी भी होना चाहिए? अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, तो इसके बारे में हालांकि बहुत सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक सीरियसनेस तो रखनी है, लेकिन साथ में थोड़ी सी कॉन्शियसनेस भी रखनी है। करना आपको ये होगा यहाँ पर कि जब भी आप तैयारी शुरू करिए तो आप एकेडमिक्स के साथ भी जुड़े रहिए। सपोज़ मान लेते हैं आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के दौरान में अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो फिर आप लगे हाथ मास्टर्स भी कर लीजिए, ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं आप जॉब में हैं
या फिर आपको लगता है नहीं मुझे एकेडमिक्स में फ़िलहाल नहीं जाना है, मुझे डेडिकेशन के साथ में एक साल देना है, तो आप एक साल का ब्रेक लेकर के इस प्रिपरेशन को थॉरोली करिए, रीड करिए बुक्स को, प्रैक्टिस करिए और गाइडेंस लीजिए। इन सब के बाद में जब एक साल हो जाता है, आपके एक दो अटेम्प्ट हो जाते हैं, तो एक दो अटेम्प्ट होने के बाद में देन फिर आप या तो एकेडमिक्स के साथ जुड़ जाइए, इफ इन केस अगर आपका नहीं हो पाता है, गेट थ्रू नहीं हो पाते हैं, देन यू कैन गेट इनटू एकेडमिक्स, या फिर आप अदर एग्ज़ाम जैसे स्टेट P6 एग्ज़ाम हो गया या फिर बाकी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी जा सकते हैं, उसको भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीच बीच में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से आपको एक फियर जो होती है वो भी दूर हो रही होगी और साथ में आपको एक आइडिया भी लग रहा होगा कि आखिर में हमें चीज़ें करनी कैसे चाहिए। गलतियों से ही आदमी सीखता है, अगर गलतियाँ हो रही हैं तो ही सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो एक तो तरीका होता है कि आप एग्ज़ाम्स देते रहिए, स्टेट एग्जामिनेशन देते रहिए, इसके अलावा मिनिस्ट्री की कई सारे एग्ज़ाम्स भी होते रहते हैं उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर इन दोनों में भी नहीं गेट थ्रू हो पाते हैं या फिर आपको इंटरेस्ट है, एजुकेशन में इंटरेस्ट है, तो फिर आप हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आप अच्छा एक माहौल मिलेगा, एक बेटर फ्यूचर आपको देखने को मिलता है। लास्ट में फाइनली यहाँ पर ये आता है कि आखिर में इस प्रिपरेशन को करने के बाद में और इतने सारे लोग जब फेल हो जा रहे हैं तो क्या इस प्रिपरेशन को करना वर्थ है? तो यस इट इज़ वर्थ, बिल्कुल वर्थ है। ये टाइम होता है आपको सेल्फ बिलीफ डेवलप करने का, आप अपने आप को अपने आप में बिलीव डेवलप करते हैं, आपको पता चलता है कि आपके अंदर में कितना ज़्यादा एक पेशेंस था, आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ थी, ये बात आपको इस प्रिपरेशन के बाद पता चलती हैं। और कुछ नहीं अगर होगा, मान लेते हैं वर्स्ट केस लेकर के चलते हैं, आप कुछ नहीं होगा तो आप एक नॉलेजेबल, एक अवेयर पर्सन बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक अवेयर पर्सन ही आप कंट्री में एक कंट्री को सुधार भी सकता है और एक बेटर फ्यूचर भी ला सकता है। सो डेडिकेशन के साथ इस प्रिपरेशन को शुरू करिए। प्रिपरेशन में केवल और केवल डेडिकेशन, परसिवरेंस यही सब चीज़ें जरूरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक सपोर्ट भी चाहिए, एक स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो एक सपोर्ट आपके फैमिली का हो या फ्रेंड्स का हो, एक सपोर्ट रहे जो आपको मोटिवेट करे, साथ में सेल्फ सपोर्ट और सेल्फ मोटिवेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति ही केवल आपको मोटिवेट करते रह रहे हैं, दो चार घंटे के लिए मोटिवेट हैं और फिर वही सारी कहानी फिर से शुरू हो गई। सो यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, और इन सब के बाद जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप स्पंदन हो जाएंगे, आपके अंदर शक्ति आ जाएगी और फिर लग जाएंगे। तो इस सेशन से आपको एक आइडिया लगा होगा कि आखिर में कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। इस स्ट्रैटेजी वीडियो का और कोई पर्पज़ नहीं था, केवल और केवल एक आइडिया आपको यही देना था कि इस प्रिपरेशन को शुरुआत कैसे की जाए, तो एक आइडिया लग गया होगा। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स हैं या जो GS के अलग अलग टॉपिक्स की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके भी अलग अलग सेशंस होंगे, उनके अपने एक तरीके होते हैं, उनके अपनी एक तरीका अलग है। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। जो डाउट रहेगा आप टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करिए और मेहनत के साथ करिए।